हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। तो आज की क्लास में हम गायनेकोलॉजी और मिडवाइफरी में जो क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो यहाँ पर मोस्टली क्वेश्चन आपके स्टेज ऑफ लेबर मैनेजमेंट एंड एबनॉर्मेलिटी से रिलेटेड रहेंगे। तो क्लास में एंड तक जरूर बने रहें। जो भी लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन को प्रेस करके रखें, जिससे कभी भी क्लासेस अपडेट हो या फिर वैकेंसी रिलेटेड नोटिफिकेशन आए आप तुरंत है जो देख सकें। तो अभी रिसेंट में जिनका पेपर है, आई थिंक रतलाम जीएमसी का पेपर होने वाला है 18 जून को, एग्ज़ाम डेट आ गई है, सिलेबस आ गया है। तो जो भी लोग पेपर देने वाले हैं, मैं उनको बता दूं कि जो जीएमसी के पेपर दे रहे हैं स्पेशली एमपी के लिए, तो आप लोग प्रीवियस जीएमसी पेपर एक बार ज़रूर चेक करके जाएं। मैंने ऑलरेडी चैनल पर पूरे वीडियोज़ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जो लोग परचेज़ नहीं कर पा रहे हैं और जो लोग लेना चाहते हैं मेरे डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और जो ऑफिशियल ऐप है मेडिकल एंड नर्सेज हब की ऐप, वहाँ पर जाके भी आप पेपर्स को ले देने वाले हैं। मैं उनको बता दूं, चाहे आप कोई सा भी अपकमिंग एग्ज़ाम देने वाले हो, NHMMP का, GMC का, CHO का, या फिर पंजाब CHO, पंजाब NHM स्टाफ नर्स, या फिर HPSSB, तो ये क्वेश्चन उन सभी एग्ज़ाम्स पर्पस से आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। साथ ही साथ जो लोग अपकमिंग वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, तो बहुत सारी जगह अलग अलग जगह फॉर्म फिलअप होते जा रहे हैं, बट जिन स्टेट में भी वैकेंसी नहीं आई है वो भी मिड ईयर तक आपके लिए आ जाएंगी, जून जुलाई तक। और जिनका भी अपकमिंग टाइम में NHMMP का एग्ज़ाम होने वाला है, अभी MP NHM ने ऑफिशियल सिलेबस है जो अपडेट नहीं किया है, बट आप एज एन जो 2021 का सिलेबस था स्टाफ नर्स का, उसको फॉलो करके अपनी तैयारी रखिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम के कम दिन ही बचेंगे। जब सिलेबस दिया जाएगा तो आपको ओनली अपना रिवीजन बस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर गायनेकोलॉजी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, इन लेटेंट फेज ऑफ लेबर हाउ मच सर्विक्स इज डायलेटेड। क्वेश्चन है यहाँ पर कि लेटेंट फेज ऑफ लेबर में सर्विक्स कितने सेंटीमीटर डायलेट होगी। ऑप्शन में 0 to 3 centimeter, 4 to 7 centimeter, 7 to 10 centimeter, less than 12 centimeter। तो यहाँ पर कहा है कि लेटेंट फेज में, तो अब यहाँ पर लेटेंट फेज की बात हो रही है और सर्विक्स टोटल कितनी डायलेट होती है 10 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की 3 स्टेज होगी, तो यहाँ पर लेटेंट फेज का पूछा है, तो जो कि फर्स्ट फेज रहेगी उसमें कितना सर्विक्स डायलेट होगा, 0 to 3 centimeter, कितना 0 to 3 centimeter। यहाँ पर आपको लेटेंट फेज की जगह एक्टिव फेज पूछ सकते हैं, ट्रांजिशन फेज पूछ सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि लेबर की स्टेज, और यहाँ पर पहले हम फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आया था कि लेटेंट फेज में, लेटेंट फेज में सर्विक्स कितनी डायलेट होगी, 0 to 3 centimeter, इतनी 0 to 3 centimeter। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर यदि आपको एग्जाम में आता है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का मतलब क्या है, फ्रॉम ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन टू फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स। यहाँ पर ट्रू लेबर पेन का मतलब होगा कि जो लेबर पेन आप चाहे लेट लें, बैठ जाएं, उठ जाएं, बट वो कम नहीं होंगे, तो उनको हम क्या कहेंगे, ट्रू लेबर पेन। तो यहाँ पर ट्रू लेबर पेन के साथ साथ सर्विक्स का डायलेटेशन देखने को मिलेगा, जो कि सर्विक्स टोटल फुली 10 सेंटीमीटर डायलेट होती है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को अच्छे और स्ट्रॉन्ग लाने के लिए जो मेडिकेशन दी जाती है वो क्या है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, एग्जाम में आपको आता है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की 3 फेज हैं, लेटेंट, एक्टिव एंड ट्रांजिशन। तो फर्स्ट स्टेज का मतलब क्या है कि सर्विक्स ट्रू लेबर पेन हो रहे हैं, साथ ही साथ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं और सर्विक्स 10 सेंटीमीटर तक डायलेट हो जाती है, लेकिन इसको भी 3 फेज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आता है लेटेंट फेज, जिसमें जो कॉन्ट्रैक्शन आएंगे माइल्ड आएंगे, शॉर्ट होंगे, कम टाइम के लिए होंगे, जिसमें सर्विक्स 0 to 3 centimeter तक है जो डायलेट होगी, और इसका जो आवर है, ड्यूरेशन है, कितना होगा, 6 to 8 hour तक। फिर आती है एक्टिव फेज, तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन मॉडरेट से स्ट्रॉन्ग आएंगे, पहले माइल्ड रहेंगे, जो कि कितना रहेगी, 6 to 8 hours तक चलेगी, लेकिन जो मॉडरेट और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होंगे, कौन सी फेज है, एक्टिव फेज है, जिसमें सर्विक्स 4 to 7 centimeter डायलेट होगी। नली पैरा, दैट मीन्स फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट लेडी की बात करें तो 4.5 hours, और जो मल्टी पैरा है उनमें 2.5 hours है जो टाइम लगेगा। फिर आती है ट्रांजिशन फेज, तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, फ्रिक्वेंसी बहुत फास्ट रहेगी इसमें, सर्विक्स 7 to 10 centimeter जो कि फुली डायलिटेशन है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेज की बात हो, लॉजी एग्जाम में आएगी, आपकी क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट है यहाँ पर,
व्हाट इज द नॉर्मल FHR बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन। क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि जो फीटल हार्ट रेट है, जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं उस टाइम पर फीटल हार्ट रेट है जो कितनी होगी, 110 से 160 बीट पर मिनट, 160 से 170 बीट पर मिनट, मोर देन 160 बीट पर मिनट या फिर लेस देन 120 पर मिनट। होगी फीटल हार्ट रेट होगी बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन, यदि आपको पूछते हैं जनरली कितनी होती है, 120 टू 160 कितनी होती है, 120 टू 160 नॉर्मल FHR होगी, लेकिन बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन पूछेंगे तो कितनी होगी, थोड़ा है जो इसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के जाते हैं हम तो क्या होगा, 110 से 160 बीट पर मिनट, कितनी होगी, 110 से 160 बीट पर मिनट कॉन्ट्रैक्शन में FHR होगी है यदि आपको एग्जाम में आता है, और यदि नॉर्मल FHR पूछें तो कितनी होती है, 120 से 160 बीट पर मिनट। और टैकीकार्डिया और ब्रेडीकार्डिया, ये फीटल की बात हो रही है यहाँ पर, जो न्यूबॉर्न बेबी हैं उनमें यदि बात करें हम, या फिर जो फीटल हैं उनमें बात करें, तो हम फीटल ड्यूरेशन में जो टैकीकार्डिया और ब्रेडीकार्डिया कंसीडर करेंगे, तो जब फीटल हार्ट रेट मोर देन 160 बीट पर मिनट जाएगी, दैट मीन्स क्या है, टैकीकार्डिया, और लेस देन 110 बीट पर मिनट जाएगी, 110 से कम जाएगी FHR, तो ब्रेडीकार्डिया। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि टैकीकार्डिया और ब्रेडीकार्डिया आ सकते हैं आपको, स्पेशली फीटल में। नेक्स्ट है यहाँ पर, और यदि यही एडल्ट में पूछे तो एडल्ट में टैकीकार्डिया कब कहेंगे हम, मोर देन 100 बीट पर मिनट हो पल्स, और ब्रेडी का मतलब होगा लेस देन 60 बीट पर मिनट, बट यदि फीटल ड्यूरेशन में पूछे तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट वन इज सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर शुड कंसिडर्ड, तो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर को कंसिडर कब किया जाता है, तो फर्स्ट स्टेज में हमने देखा कि सर्विक्स डायलेट होती है, ऑप्शन है यहाँ पर फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स टू बर्थ ऑफ द बेबी, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन टू डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, फ्रॉम बर्थ ऑफ बेबी टू डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, फ्रॉम एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा टू अंटिल 2 आवर ऑफ बर्थ। तो अब यहाँ पर आपकी चारों स्टेज क्लियर हो जाएंगी इस क्वेश्चन से, तो सेकेंड स्टेज हम कब कंसिडर करेंगे, तो फर्स्ट में तो क्या हुआ, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आए, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आने से लेकर सर्विक्स डायलेट होने तक की जो पूरा टाइम है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेज में आ जाएगा। अब जब सर्विक्स फुली डायलेट हो गई है तो बेबी एक्सपेल्ड आउट होगा, तो फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स से लेके बर्थ ऑफ द बेबी की जो स्टेज है वो क्या कहलाएगी, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, क्या होगी, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। फिर यहाँ पर थर्ड स्टेज ऑफ लेबर की बात करें तो बेबी एक्सपल्सन से लेके प्लेसेंटा एक्सपल्सन तक, प्लेसेंटा की डिलीवरी तक का जो ड्यूरेशन होगा वो कहलाएगा थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, और फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर का मतलब होगा कि प्लेसेंटा एक्सपेल आउट होने से लेके 2 आवर तक जो हम ऑब्जर्व करेंगे लेडी को, बच्चे को, वो फेज क्या कहलाएगी, ऑब्जर्वेशनरी फेज और फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। तो यहाँ पर चारों स्टेज इन चारों ऑप्शन से आप समझ सकते हैं कि सेकेंड फर्स्ट स्टेज क्या है, सर्वाइकल डायलेटेशन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आने से लेके 2 लेबर पेन से लेके सर्विक्स डायलेट तक फर्स्ट स्टेज है, सेकेंड स्टेज है फुल डायलेटेशन से लेके बेबी के एक्सपल्सन तक की स्टेज, और बेबी एक्सपल्सन स्टेज किसको कहा जाता है, सेकेंड स्टेज को, सर्वाइकल डायलेटेशन स्टेज कहलाती है फर्स्ट स्टेज, थर्ड स्टेज को कहा जाता है जो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, इसको कहा जाता है प्लेसेंटल एक्सपल्सन स्टेज। फिर आती है फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर, तो इसमें प्लेसेंटा एक्सपेल आउट होने से लेकर 2 घंटे तक का जो ड्यूरेशन है वो कहलाती है फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। नेक्स्ट वन इज नॉर्मल लेबर इज द प्रोसेस बाय विच कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ग्रेविड यूट्रस एक्सपेल्स द फीटस एंड द अदर प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन। अब नॉर्मल लेबर के लिए एक टर्म यूज किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, यूटोकिया, क्या कहेंगे, यूटोकिया। तो ये नॉर्मल लेबर जो प्रोसेस है इसमें ग्रेविड यूट्रस कितने वीक का फीटल कॉन्सेप्शन है जो एक्सपेल करेगी, ऑप्शन में है बिटवीन 37 एंड 42 वीक्स फ्रॉम द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, बिफोर 37 वीक्स जेस्टेशन, आफ्टर 42 वीक्स जेस्टेशन, या फिर आफ्टर 24 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। तो यहाँ पर नॉर्मल लेबर पूछा है, तो नॉर्मल लेबर का मतलब होगा जब ग्रेविड यूट्रस कितना हो, 37 वीक से लेके 37 वीक या फिर 42 वीक, आफ्टर 37 वीक के बाद है जो ड्यूरेशन किस में आएगा, टर्म प्रेगनेंसी में, और वही क्या कहलाएगी, नॉर्मल लेबर, जिसमें यूट्रस क्या करेगी, वेजाइना के थ्रू जो नॉर्मल वेजाइना और सिजेरियन सेक्शन के थ्रू जो कॉन्सेप्शियस मटेरियल है वो बाहर आएगा। तो ग्रेविड यूट्रस में यहाँ पर जेस्टेशनल पीरियड पूछा है तो कितना है,
एलएमपी से कैलकुलेट किया जाएगा लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का फर्स्ट डे। एलएमपी का फर्स्ट डे से लेके बिटवीन 37 और 42 वीक का ड्यूरेशन क्या कहलाएगा? नॉर्मल लेबर। नॉर्मल लेबर के लिए जो टर्म यूज़ किया जाए तो क्या यूटोकिया। डिस्टोकिया का मतलब होगा एबनॉर्मल लेबर, लेकिन यूटोकिया का मतलब होगा नॉर्मल लेबर। अब यहाँ पर ग्रेविड यूट्रस की बात की जा रही है, तो आपको ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है कि यदि नॉर्मल लेबर पूछा या फिर कंप्लीट जेस्टेशनल पीरियड पूछते हैं तो क्या है नॉर्मल में 37 टू 42 वीक्स। यदि आफ्टर 42 वीक के बाद डिलीवरी होती है तो हम इसको क्या कहेंगे, 42 वीक के बाद होगी या फिर की जाएगी तो उसको हम क्या कहेंगे, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। और यदि यही बिफोर 37 हो जाए तो क्या कहेंगे, प्री टर्म डिलीवरी और प्री टर्म प्रेगनेंसी। नेक्स्ट है यहाँ पर स्टेज फर्स्ट ऑफ लेबर इंक्लूड्स विच फेज इन द करेक्ट ऑर्डर। तो हमने स्टार्टिंग में ही फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के क्या पढ़े हैं, फेज पढ़ी हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में जो फेज है उनका आपको सीक्वेंस बताना है। ऑप्शन में है ट्रांजिशन, लेटेंट, एक्टिव, एक्टिव लेटेंट ट्रांजिशन, एक्टिव ट्रांजिशन लेटेंट या फिर लेटेंट एक्टिव और ट्रांजिशन। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का जो करेक्ट फेज है, जो फेज है उसमें थ्री फेज होती हैं। फर्स्ट होती है लेटेंट जिसमें सर्विक्स 0 to 3 सेंटीमीटर डायलेट होगी, दूसरी होती है एक्टिव जिसमें 4 to 7 सेंटीमीटर डायलेटेशन होगा, लास्ट होगी ट्रांजिशनल स्टेज जिसमें 7 to 10 सेंटीमीटर डायलेटेशन होगा। तो क्या है, तीनों फेज हो गई और इनका एक करेक्ट ऑर्डर आपको LET से भी याद रख सकते हैं। यदि आपको लेटेंट एक्टिव ट्रांजिशन याद नहीं होता है तो लात, हिंदी में बात करें तो लात, दैट मीन्स लेटेंट एक्टिव और ट्रांजिशन। नेक्स्ट वन इज योर लेबरिंग पेशेंट हैज ट्रांजिशन टू स्टेज सेकेंड ऑफ लेबर, वॉट चेंजेस इन द पेरिनियम इंडिकेट द बर्थ ऑफ द बेबी इज इमिनेंट। तो यहाँ पर ट्रांजिशन फेज होती है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में, ट्रांजिशन फेज होती है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में, तो पेशेंट का पेरिनियम एरिया है कि इंडिकेट करता है कि बेबी क्या है, इमिनेंट है। तो आप ऐसे में यहाँ पर आपको कौन से साइन देखने को मिलेंगे, ऑप्शन में है इंक्रीज इन मेकोनियम स्टैंड फ्लूड एंड रेट्रैक्टिंग पेरिनियम, रेट्रैक्टिंग पेरिनियम एंड एनस विद एन इंक्रीज ऑफ ब्लडी सो, रैपिड एंड इंटेंस कॉन्ट्रैक्शन, बल्जिंग पेरिनियम एंड रेक्टम विद एन इंक्रीज इन ब्लडी सो। तो यहाँ पर जो आपको ट्रांजिशनल फेज ऑफ स्टेज ऑफ लेबर में, सेकेंड फेज स्टेज ऑफ लेबर में जो साइन देखने को मिलेगा वो क्या होगा, बल्जिंग पेरिनियम एंड रेक्टम विद एन इंक्रीज इन ब्लडी सो। तो क्या होगा, सेकंड स्टेज का ट्रांजिशनल स्टेज फेज है उसमें आपको ये साइन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग स्टेज थर्ड ऑफ लेबर, दैट मींस थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, यू नोट अ गस्ट ऑफ ब्लड एंड दैट इज द यूट्रस चेंजेस शेप फ्रॉम एन ओवल शेप टू ग्लोबुलर शेप, दिस इंडिकेट। तो क्वेश्चन है यहाँ पर कि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में वेजाइना में और फुल गस्ट ऑफ ब्लड देखने को मिल रहा है आपको, यूट्रस का शेप ओवल शेप से ग्लोबुलर शेप में हो रहा है, तो एक इसका इंडिकेशन है। ऑप्शन में पोस्टपार्टम हेमरेज, एमिनेंट डिलीवरी ऑफ द बेबी, साइंस ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन या फिर आंसर बी एंड सी, दैट मींस ऑप्शन नंबर ए और सॉरी ऑप्शन नंबर बी एंड सी। तो यहाँ पर थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में ब्लड गस ऑफ ब्लड वेजाइनल ब्लड देखने को मिलेगा, यूट्रस का चेंज शेप है जो वो चेंज होगा ओवल से ग्लोबुलर शेप में हो रहा है, तो किसके साइन है, प्लेसेंटल सेपरेशन के। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर की बात कही है तो इसमें क्या होता है, प्लेसेंटा सेपरेट होगा। नेक्स्ट वन इज और यदि यहाँ पर आपको थर्ड स्टेज ऑफ लेबर भी ना कहा जाता, ओनली लेबर कहते हो, कहते गस ऑफ ब्लड देखने को मिल रहा है, यूट्रस का शेप चेंज हो रहा है, तब भी हम मार्क किसको करते, साइन ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन को। नेक्स्ट वन इज आफ्टर बर्थ वेयर डू यू एक्सपेक्ट टू असेस फंडल हाइट। तो आफ्टर बर्थ डिलीवरी के बाद जो आप फंडल हाइट कहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे, एट द एक्सिफॉइड प्रोसेस, 5 centimeter बिलो द अम्बलाइकस, 2 centimeter अबव द प्यूबिस सिम्फाइसिस या फिर एट और नियर द अम्बलाइकस। तो यहाँ पर फंडल हाइट आप कहाँ पर असेस करेंगे आफ्टर बर्थ के, 5 centimeter बिलो द अम्बलाइकस, कहाँ पर, 5 centimeter बिलो द अम्बलाइकस। नेक्स्ट वन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके लिए हर एक एग्जाम में आता है, फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर सॉरी थर्ड स्टेज ऑफ लेबर को कंसीडर करेगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है द मदर हैज़ डिलीवर्ड द प्लेसेंटा, यू नोट दैट द साइनी सरफेस ऑफ द प्लेसेंटा वॉज डिलीवर्ड फर्स्ट,
What delivery mechanism is this known as and this is the maternal or baby surface of the placenta? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके लिए, फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आपके लिए ऐड किया गया है। क्वेश्चन है कि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या है, प्लेसेंटा डिलीवर हुआ है। अब प्लेसेंटा में आप क्या चीज़ें नोट करेंगे कि जो प्लेसेंटा का सरफेस है साइनी पार्ट है जो पहले डिलीवर हुआ है, तो यहाँ पर एक कौन सी मैकेनिज्म है और ये प्लेसेंटा की कौन सी सरफेस है। दो सरफेस होती है मैटरनल और बेबी की, तो मैटरनल है पर बेबी की सरफेस है। ऑप्शन में डनकेन मैकेनिज्म और मैटरनल सरफेस, स्लड्ज मैकेनिज्म मैटरनल सरफेस, स्लड्ज मैकेनिज्म बेबी सरफेस या फिर डनकेन मैकेनिज्म बेबी सरफेस। तो यहाँ पर प्लेसेंटा एक्सपल्सन के लिए जनरली दो मैकेनिज्म यूज होती है, डनकेन और स्लड्ज। तो अब यहाँ पर जो मैकेनिज्म है साइनी सरफेस कब देखने को मिलेगी, जब फर्स्ट प्लेसेंटा का कौन सा है जो पार्ट डिलीवर हुआ है, बेबी वाला, करेक्ट, जब साइनी है। यदि रफ सरफेस कहते तो मैटरनल होता। और यहाँ पर कहा है कि कौन सी मैकेनिज्म है, तो ये यहाँ पर स्लड्ज मैकेनिज्म। क्या है, स्लड्ज मैकेनिज्म, फेयर इज द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, स्लड्ज मैकेनिज्म एंड बेबी सरफेस। अब यहाँ पर दोनों मैकेनिज्म हम देखेंगे। स्लड्ज मैकेनिज्म में क्या है, प्लेसेंटा है जो फर्स्ट बाहर आएगा वो भी सेंट्रल एरिया से। क्या होगा, प्लेसेंटा पहले बाहर आएगा कहाँ से, सेंट्रल एरिया से। और जो यहाँ पर जो बेबी सरफेस होगी प्लेसेंटा की वो कैसी होगी, साइनी होगी। जो डनकेन मैकेनिज्म है इसमें पेरिफेरल वे से क्या होगा, प्लेसेंटा बाहर आएगा और यहाँ पर प्लेसेंटा के साथ साथ यहाँ पर ब्लड है जो यूट्राइन वॉल में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको यदि सरफेस की बात करें तो बेबी की जो सरफेस होगी प्लेसेंटा की वो साइनी होगी, मदर की कैसी होगी, यहाँ पर रफ टाइप की होगी। दोनों मैकेनिज्म प्लेसेंटल सेपरेशन के लिए यूज़ की जाती हैं। तो अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन आता है कि यदि प्लेसेंटा सेंट्रल एरिया से क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, तो ये कौन सी मैकेनिज्म है, तो ये स्लड्ज मैकेनिज्म। और यदि प्लेसेंटा पेरिफेरल वे से सेपरेट होता है तो इसको कौन सी मैकेनिज्म कहेंगे, हम डनकेन मैकेनिज्म। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ इन्फ्लामेशन ऑफ यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा के इन्फ्लामेशन का मेन कॉज क्या होगा, ऑप्शन में क्राउप, बुर्साइटिस, ट्राइकोमोनास या फिर लूपस। इन्फ्लामेशन ऑफ यूरेथ्रा का जो मेन कॉज है वो क्या है, ट्राइकोमोनास। क्या है, ट्राइकोमोनास। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर। तो सर्वाइकल कैंसर का मेन रीजन क्या है, हाई फैट डाइट, एल्कोहल कंजप्शन, फर्स्ट चाइल्ड आफ्टर द एज ऑफ 30, हैविंग सेक्स एट अर्ली मैरिज। तो सर्वाइकल कैंसर का जो मेन रीजन होता है वो होता है HPV वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। अब यहाँ पर यदि वो आपको ऑप्शन में नहीं है तब आप किसको मार्क करेंगे, सेक्स एट अर्ली मैरिज। क्या है, सेक्स एट अर्ली मैरिज, जिसके कारण मोस्टली सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस रहेंगे। सर्वाइकल कैंसर के लिए कौन सा स्मियर कलेक्ट किया जाता है, तो वो पैप स्मियर, अरे स्पेकुला यूज़ करके जो सैंपल कलेक्ट किया जाता है, किस टेस्ट के लिए, पैप स्मियर के लिए। तो यहाँ पर सर्वाइकल कैंसर का यदि रीज़न पूछा है, कॉज पूछा है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के, तो क्या है, हैविंग सेक्स एट अर्ली मैरिज, कम एज में शादी हो जाना और सेक्स करना। नेक्स्ट वन इज द एम्ब्रियो बिकम्स अ फीटस इन द बिगिनिंग ऑफ द विच वीक। तो एम्ब्रियो है जो फीटस बनेगा तो किस वीक से बनना स्टार्ट हो जाएगा, होगा 4th, 7th, 8th या फिर 9th। तो कंसीव करने से लेके जो 9th वीक तक का टाइम है वो क्या कहलाता है, एम्ब्रियो पीरियड या फिर एम्ब्रियो। लेकिन आफ्टर द 9th वीक क्या कहलाएगा, फीटल, और डिलीवरी होने तक का जो टाइम रहेगा तब तक ये क्या कहलाएगा, फीटस। तो यहाँ पर यदि एम्ब्रियो है जो फीटस बनता है तो ये कब बनेगा, तो ये बनेगा 9th वीक। नेक्स्ट वन इज द डॉपलर टेक्निक कैन आइडेंटिफाई फीटल हार्ट साउंड बाय। डॉपलर टेक्निक के थ्रू हम फीटल हार्ट साउंड कब है जो सुन सकते हैं या फिर चेक कर सकते हैं, 5 to 7 weeks ऑफ जेस्टेशन, 10 to 12 week ऑफ जेस्टेशन, 18 to 20 weeks ऑफ जेस्टेशन, 22 to 24 weeks ऑफ जेस्टेशन। तो कब है जो हम डॉपलर टेक्निक के थ्रू फीटल हार्ट साउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डॉपलर टेक्निक के थ्रू हम फीटल हार्ट साउंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं 10 से 12 वीक के जेस्टेशनल पीरियड में।
ये आपको ये मशीन याद रखनी है जो आपको एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये क्या है? डॉपलर अल्ट्रासाउंड है और डॉपलर टेक्निक है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फीटल हार्ट साउंड 10 से 12 वीक में ही सुन सकते हैं। नेक्स्ट वन इज सोनोग्राफिंग शोइंग ऑफ स्नो स्टॉर्म अपियरेंस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ। स्नो स्टॉर्म अपियरेंस का मतलब है कि यहाँ पर जो ऑप्शन देख रहे हैं आप, तो आपकी गायनेक्स रिलेट करता ही है। यदि आपको इन ऑप्शन की जगह गटी अर्थराइटिस रहे तब आप उसको भी मार्क कर सकते हैं, लेकिन जब हम यहाँ पर गायनेकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस किस में देखने को मिलेंगे? एब्रप्टू प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रीविया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी या फिर मोलार प्रेगनेंसी। तो किस केस में हम स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस देखने को मिलेंगे? मोलार प्रेगनेंसी में या फिर हाइड्रेटिफॉर्म मोल प्रेगनेंसी में क्या होगा, स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस देखने को मिलेंगे। इनकेस आपको प्रेगनेंसी और गायनेक्स रिलेट करते हुए ना ऑप्शन रहे, आपको गटी अर्थराइटिस रहे, तो आप उसको मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द रिकवरी पीरियड फ्रॉम द इन्फेक्शन इज कॉल्ड। इन्फेक्शन का रिकवरी पीरियड क्या कहलाएगा? डिक्लाइन, इंक्यूबेशन, कन्वर्जेंस या फिर ससेप्टिबिलिटी। तो इन्फेक्शन का जो रिकवरी पीरियड है वो क्या कहलाएगा? कन्वर्जेंस। नेक्स्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आता है आपको क्वेश्चन है, द इफेक्टिवनेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज असिस्ड बाय। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के कितने फेलियर रेट हैं या फिर हम ये कह सकते हैं किस तरीके से काम करती है, कौन सी मेथड से असिस्ट करेंगे हम? सोशल इंडेक्स, फैमिली कोपिंग इंडेक्स, पर्ल इंडेक्स या फिर इंडिविजुअल कोपिंग इंडेक्स। तो किससे है जो हम असिस्ट करेंगे कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कितनी इफेक्टिव रही है? तो वो पर्ल इंडेक्स, ये रहा है यहाँ पर फॉर्मूला जो आप यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर एज पर 100 वुमेन ईयर्स ऑफ एक्सपोजर। तो यहाँ पर कितना फेलियर रेट रहा है, कितने परसेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फेल रही है, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करने के बाद भी प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, तो उसको यहाँ पर किस मेथड के थ्रू है जो चेक किया जाएगा, तो वो है यहाँ पर पर्ल इंडेक्स। तो यहाँ पर पर्ल इंडेक्स का फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर पर 100 वुमेन, एक साल में कितनी, 100 में से कितनी वुमेन का कॉन्ट्रासेप्टिव रेट है जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड और जो भी मेथड अपनाई है वो फेल हुई है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी डिवाइडेड बाय टोटल मंथ ऑफ एक्सपोजर इंटू 100। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सप्लीमेंट्स शुड स्टार्ट बिफोर कंसेप्शन टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन द बेबी। तो बेबी में यदि हमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करना है तो कंसीव करने के पहले ही या फिर कंसीव करने के टाइम से ही क्या देना है, स्टार्ट कर देना चाहिए? आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम या फिर फॉलिक एसिड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट अलग अलग टाइप के डेवलप होते हैं, लेकिन यहाँ पर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए क्या है जो हम कर सकते हैं, कंसेप्शन के टाइम से ही फॉलिक एसिड देकर हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज हेल्थ एजुकेशन इज एन एग्जांपल ऑफ विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो हेल्थ एजुकेशन किस लेवल का प्रिवेंशन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, प्रीमॉर्डियल या फिर टर्सरी। तो हेल्थ एजुकेशन होगा, इम्यूनाइजेशन हो गया, वैक्सीन्स हो गई, ये सब किस लेवल के प्रिवेंशन में आएंगे, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। कोई भी डिसीज़ हुई ना हो लेकिन उसको प्रिवेंट करने के लिए जो भी कोशिश हम करेंगे वो क्या है, प्राइमरी में। यदि डिसीज़ हो गई है और हम उसको ट्रीट करते हैं, टेस्ट करवाते हैं, तो क्या है, सेकेंडरी में। अब डिसीज़ है लेकिन उसके कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना है तो क्या है, टर्सरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट वन इज एट बर्थ विच वैक्सीन आर गिवन। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ कौन सी वैक्सीन दी जाती है, बर्थ जो वैक्सीन दी जाती है वो होती है ओरल पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एंड BCG वैक्सीन। क्या है, तीनों वैक्सीन एट द टाइम ऑफ बर्थ दी जाती हैं, विटामिन के दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको ये तीनों वैक्सीन याद रखना है, हेपेटाइटिस बी वायरस से प्रिवेंट करने के लिए, BCG ट्यूबरक्लोसिस से प्रिवेंट करने के लिए, OPV ओरल पोलियो से प्रिवेंट करने पोलियो से प्रिवेंट करने के लिए। हेपेटाइटिस दिया जाएगा इंट्रामस्कुलर, BCG इंट्राडर्मल और OPV है जो ओरल दिया जाएगा। और यहाँ पर यदि करंट शेड्यूल की बात करें हम तो ये कब दी जाती हैं, तो एट द टाइम ऑफ बर्थ BCG का जो एक ही डोज दिया जाता है, और BCG वैक्सीन की खासियत ये है कि 1 मंथ तक अलग डोज होगा और आफ्टर 1 मंथ से 1 ईयर तक डिफरेंट डोज रहेगा, लेकिन 1 ईयर के बाद BCG नहीं दे सकते हैं।
ओपीबी का जीरो डोज होगा, हेपेटाइटिस बी का भी जीरो डोज होगा। तो यदि यहाँ पर बात करते हैं तो अब सिक्स वीक में, तो सिक्स वीक में पेंटावेलेंट दिया जाएगा, 10 वीक में पेंटावेलेंट दिया जाएगा, 14 वीक में पेंटावेलेंट दिया जाएगा, साथ में ओपीबी का फर्स्ट सेकेंड थर्ड डोज दिया जाएगा। फिर आते हैं यहाँ पर रोटा वायरस भी 6, 10 और 14 वीक्स में दिया जाएगा साथ में। फिर यहाँ पर 5 to 6 में क्या दिया जाएगा, बूस्टर डोज सेकेंड है जो दिया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर परपीरियम वीक और ड्यूरेशन। तो परपीरियम वीक और ड्यूरेशन कितना होगा, 8 वीक, 7 वीक, 6 वीक या फिर 3 वीक्स। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो परपीरियम पीरियड का मतलब होगा आफ्टर प्लेसेंटल एक्सपल्सन से लेके 6 वीक तक का टाइम, क्या है, बेबी डिलीवर होने के बाद से लेके 6 वीक तक का जो टाइम है क्या कहलाएगा, परपीरियम पीरियड। और परपीरियम वीक कितना होता है, 6 वीक का, 6 हफ्तों का। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द फाइन डाउनी हेयर विच कवर्स बॉडी ऑफ द न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न बेबी की जो बॉडी कवर करके रखेंगे फाइन टिनी डाउनी हेयर्स, उनको हम क्या कहेंगे, मोटलिंग, मिलिया लेनिगो या फिर वर्निक सिजोसा। तो क्या कहलाएंगे, जो बेबी की पूरी बॉडी को कवर करके रखेंगे छोटे छोटे हेयर, वो कहलाएंगे लेनिगो। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एब्रीविएशन इज यूज फॉर द स्टेप ऑफ न्यूनेटल रिससिटेशन। न्यूनेटल रिससिटेशन के लिए कौन से स्टेप है जो किए जाएंगे, CABT, TABC, ATCV या फिर BACT। तो कौन से स्टेप फॉलो किए जाएंगे न्यूनेटल रिससिटेशन के लिए। यदि न्यूनेटल रिससिटेशन में ओनली इनिशियल केयर की ज़रूरत होती है तो हम उसको कहेंगे ऑब्जर्वेशनरी केयर। लेकिन यदि न्यूनेटल रिससिटेशन में स्टेप पूछे जाते हैं तो क्या, TABC, फर्स्ट टेम्परेचर एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। क्या है, टेम्परेचर एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। नेक्स्ट वन इज इन ह्यूमन बॉडी आयरन इज एब्जॉर्ब्ड इन। तो ह्यूमन बॉडी में आयरन का एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, द ड्यूडेनम, ईसोफेगस, इलियम या फिर नन ऑफ द अबव। तो ह्यूमन बॉडी में आयरन स्टोर होता है ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है ड्यूडेनम, वहाँ पर आयरन का एब्जॉर्प्शन होगा। नेक्स्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट फॉर आयरन स्टोर। तो यहाँ पर आयरन का स्टोरेज ड्यूडेनम में हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में, लेकिन आप आयरन खा खूब रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी कितना एब्जॉर्ब करती हो, कहाँ पर स्टोर होता है, तो और वो किस फॉर्म में स्टोर होगा। डायरेक्ट आप आयरन खाएंगे तो उसी फॉर्म में स्टोर नहीं होगा, आयरन का स्टोर है जो होगा। तो यहाँ पर कौन सा टेस्ट करेंगे हम जिससे फाइंड आउट होगा, ऑप्शन में सीरम कैल्शियम, सीरम फेरेटिन, सीरम फॉस्फेट या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो आयरन स्टोर होगा, तो आयरन के स्टोर होने के लिए जो टेस्ट किया जाएगा तो वो क्या होगा, सीरम फेरेटिन टेस्ट। नेक्स्ट इज केमिकल कंपोनेंट ऑफ माला डी आर। माला डी का केमिकल कंपोनेंट क्या है, तो माला एन और माला डी दोनों ही सेम है जो क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं। तो यहाँ पर माला डी और माला एन में एक डिफरेंस भी आता है, लेकिन यहाँ पर केमिकल कंपोनेंट पूछ रहे हैं। ऑप्शन में है प्रोजेस्ट्रॉन, डी नॉर्जेस्ट्रॉल, इथेनॉल एस्ट्रॉइडल, डी नॉर्जेस्ट्रॉल, प्रोजेस्ट्रॉन या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये क्वेश्चन सबकी टिप ऑफ टंग ये होना चाहिए, माला डी माला एन हर एक एग्जाम में आपको दो में से एक आ जाता है। तो माला डी और माला एन यदि आता है तो दोनों का सेम केमिकल कंपोनेंट है, डी नॉर्जेस्ट्रॉल एंड इथेनॉल एस्ट्रॉइडल। तो अब यहाँ पर गवर्नमेंट के थ्रू है जो प्रोवाइड करवाई जाती है लो डोज ओरल पिल्स हैं जो माला डी और माला एन के नाम से अवेलेबल होती है मार्केट में। तो यहाँ पर यदि इनका लेवोनोजेस्ट्रॉल डोज पूछें तो 0.15 mg, कितना लेवोनोजेस्ट्रॉल डोज पूछें तो 0.15 mg और इथेनॉल एस्ट्रॉइडल होता है 0.03 mg। अब यहाँ पर टोटल 28 पिल्स होती हैं जिनमें से 21 OCP पिल्स होंगी और 7 हैं जो ब्राउन कोटेड जो भी पिल्स होंगी, 7 कौन सी पिल होंगी, यहाँ पर फेरस फ्यूमरेट की टैबलेट होंगी जिसमें 60 mg फेरस फ्यूमरेट रहेगा पर टैबलेट। और यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये है कि जो माला एन है ये क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है मार्केट में, माला डी का है जो 3 रुपये तक है जो चार्ज किया जाता है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, एक बेसिक बस यही इनमें एक डिफरेंस है कि माला एन फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी सभी PSC, CSC, अर्बन फैमिली हेल्थ सेंटर में, लेकिन जो माला डी है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है जो नहीं रहेगी, ये 3 रुपये के पर पैकेट से भी मार्केट में अवेलेबल होंगी। नेक्स्ट इज विच इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन द ब्रेस्ट मिल्क।
ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन रहेगा? ऑप्शन है यहाँ पर IgA, IgD, IgM या फिर IgG। तो यहाँ पर जो ब्रेस्ट मिल्क में इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होगा वो होगा IgA। जो भी म्यूकस होगा, टीयर्स होंगे, उन सब में IgA रहेगा, ब्रेस्ट मिल्क में IgA होगा। लेकिन प्लेसेंटा को जो क्रॉस करने वाला इम्यूनोग्लोबुलिन है वो है IgG। ओनली एक ही इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, एग्जाम में आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक रेड नोट में लिख दिया है। नेक्स्ट वन इज कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूड इन इंट्रायूटराइन डेथ। यदि बेबी स्टिल बर्थ है, दैट मीन्स यूट्रस में ही डेथ हो गई है, तो एमनियोटिक फ्लूड का कलर है जो कैसा होगा? ऑप्शन में कलरलेस, गोल्डन, टोबैको जूसी या फिर सेफ्रॉन। यदि बेबी की क्या हुई है, इंट्रायूटराइन डेथ हुई है, बेबी यूट्रस में ही डेथ हो गया है, तो यहाँ पर जो एमनियोटिक फ्लूड जनरली कैसा होता है, कलरलेस, क्लियर कलर का होगा, कैसा, क्लियर कलर होगा। लेकिन बेबी की डेथ हुई है, इंट्रायूटराइन डेथ हुई है बेबी की, स्टिल बर्थ है बेबी, तो कैसा होगा, टोबैको जूसी। अब यहाँ पर एबनॉर्मेलिटी है एमनियोटिक फ्लूड की जो आपको याद कर लेना है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। सेफ्रॉन कलर, यदि नॉर्मल कलर पूछे एमनियोटिक फ्लूड का तो क्लियर होगा, यदि एमनियोटिक फ्लूड का कलर नॉर्मल पूछे तो क्लियर होगा, लेकिन यदि डिफरेंट एबनॉर्मेलिटीज आती है तो यदि सेफ्रॉन कलर का होगा, दैट मीन्स क्या है, पोस्ट मैच्योरिटी, बेबी आफ्टर 42 वीक के बाद डिलीवर हुआ है। ग्रीन कलर का है, दैट मीन्स मेकोनियम स्टैंड प्रेजेंट है, बेबी का जो फर्स्ट पासिंग स्टूल है, बेबी ने अपना पहला मेकोनियम है जो बेबी का क्या है, फर्स्ट पासिंग स्टूल, तो उसके कुछ स्टैंड है प्रेजेंट रहेंगे, तो ग्रीन कलर का होगा। गोल्डन कलर है, दैट मीन्स आइसो इम्यूनाइजेशन, क्या है, RH आइसो इम्यूनाइजेशन की सिचुएशन बेबी में डेवलप हुई है। रेड कलर है तो एब्रप्शन, रेड कलर का मतलब यहाँ पर कुछ भी हेमरेज या ब्लीडिंग हुई है। ब्राउन है या फिर टोबैको जूसी है तो कैसा रहेगा, वो इंट्रायूटराइन डेथ और स्टिल बर्थ बेबी है। नेक्स्ट वन इज अ कंडीशन इन विच एमनियोटिक फ्लूड इंडेक्स इज 5 सेंटीमीटर और लेस, दैट मीन्स, तो ऐसी कंडीशन जिसमें एमनियोटिक फ्लूड इंडेक्स, AFI इंडेक्स शॉर्ट फॉर्म में कहें तो क्या है, AFI इंडेक्स 5 सेंटीमीटर या फिर उससे भी कम है, तो हम क्या कहेंगे, पॉलीहाइड्रोमनियोस, ओलिगोहाइड्रोमनियोस, हाइड्रोसेफेलस या फिर न्यूमोथोरिक्स। तो यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूड AFI इंडेक्स यदि 5 सेंटीमीटर और उससे भी कम है तो क्या है, ओलिगोहाइड्रोमनियोस। यहाँ पर दोनों प्रॉब्लम दी हुई है। तो एमनियोटिक फ्लूड का कलर को एबनॉर्मेलिटी पूछें तो आपको ए याद रखना है, और यदि वॉल्यूम को लेके पूछें तो ओलिगोहाइड्रोमनियोस और पॉलीहाइड्रोमनियोस याद रखना है। तो यदि एमनियोटिक फ्लूड की एबनॉर्मेलिटी में यहाँ पर वॉल्यूम को बात हो रही है, एमनियोटिक फ्लूड का कितना वॉल्यूम है वो बात हो रही है, यदि एमनियोटिक फ्लूड का लेवल लेस देन 5 जाता है, AFI इंडेक्स 5 से कम जाता है, तो ओलिगोहाइड्रोमनियोस है। यदि डीपेस्ट वर्टिकल पूल पूछें तो लेस देन 2 सेंटीमीटर, करेक्ट, आपको ये चीज़ याद होना चाहिए। पॉलीहाइड्रोमनियोस में एमनियोटिक फ्लूड है 2000 ml से भी ज़्यादा हो जाएगा, कितना, 2000 ml से भी ज़्यादा हो जाएगा, डीपेस्ट वर्टिकल पूल भी 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा, और जो यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूड इंडेक्स है मोर देन 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट इज हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम। हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन में प्रोजेस्ट्रॉन, रिलैक्सिन, ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। तो हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा है? HCG हार्मोन, क्या है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। तो जनरली हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम में क्या होगा कि इनिशियल टाइम पर प्रेगनेंसी में, कब, इनिशियल टाइम प्रेगनेंसी में, मेनली ये 4th मंथ तक रहेगा, देन आफ्टर अपने आप सबसाइड हो जाएगा। तो हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम का मतलब होगा प्रेगनेंसी में होने वाली मॉर्निंग सिकनेस और वॉमिटिंग। तो इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, आपको एग्जाम में आता है कि कौन सा विटामिन दिया जाएगा हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम में ट्रीट करने के लिए, तो वो है विटामिन। प्रेगनेंसी में होने वाली जो वॉमिटिंग है, नोजिया है, उसको हम क्या कहेंगे, हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम। वो किसके कारण होगी, तो होगी HCG हार्मोन के कारण, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन के कारण। लेकिन इसको हम ट्रीट भी कर सकते हैं, और ये जनरली 4th मंथ तक होगी, देन आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद है सबसाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर नोजिया वॉमिटिंग को ट्रीट करने के लिए कौन सा विटामिन अपनाया जाता है, विटामिन B6 और पायरीडॉक्सिन। डॉक्टर भी यही है जो प्रिस्क्राइब करते हैं, पायरीडॉक्सिन और विटामिन B6,
इनिशियल प्रेगनेंसी में यदि आपको हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरा में या फिर वॉमिटिंग नोजिया हो रहा है, तो नेक्स्ट थिंग हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम को यदि ज़्यादा आपको नहीं होता है, तब डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आप स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स लीजिए, ज़्यादा खट्टा मत खा लीजिए, थोड़ा थोड़ा खाइए, स्नैक्स लीजिए, बिस्किट लीजिए, जिससे आप हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज विच इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा की दो लेयर होती हैं, तो यहाँ पर कहा है इनर मोस्ट लेयर कौन सी है, कोरियोन, एमनियोन, योक्सैक या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो जो इनर मोस्ट पूछी है तो वो क्या है, एमनियोन। दो सरफेस हमने पहले बताई आपको, फीटल और मेटरनल, तो वहाँ पर वो चीज़ें भी एक्सप्लेन की। अब दो यहाँ पर लेयर की बात हो रही है, तो इनर मोस्ट पूछी है तो एमनियोन, आउटर मोस्ट क्या है, कोरियोन। तो यहाँ पर फीटल सरफेस उस टाइम पर आपको इमेज के थ्रू हम नहीं बता पाए थे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फीटल सरफेस शाइनी क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर कॉटिलेडॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। लेकिन जो मैटरनल सरफेस है, रही जो रफ सरफेस है, यहाँ पर कॉटिलेडॉन्स होंगे 15 से 20, जिसके कारण जो एलिवेट रहेगा और यहाँ पर रफ टाइप से दिखाई देगी। लेकिन जो फीटल सरफेस रहेगा वो कैसा होगा, देखिए शाइनी रहेगा, स्मूथ होगा, जो कि एमनियोटिक मेम्ब्रेन से कवर रहेगा। तो यहाँ पर एमनियोन क्या है, इनर मोस्ट लेयर है प्लेसेंटा की, और आउटर मोस्ट पूछें तो कोरियोन। यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं प्लेसेंटा को लेके। नॉर्मल वेट होता है प्लेसेंटा का टर्म प्रेगनेंसी आफ्टर 37 वीक की कंप्लीटेड प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा का वेट होगा 500 ग्राम। यदि 500 ग्राम भी आपको ऑप्शन में 1/6 ऑफ द बेबी वेट है, तो आप प्लीज़ 1/6 ऑफ द बेबी वेट को मार्क कीजिए, क्योंकि ये करेक्ट आंसर माना जाएगा आपका। नॉर्मल वेट यदि टर्म प्रेगनेंसी में पूछें तो 500 ग्राम, और बेबी के 1/6 ऑफ द बेबी वेट के अम्बिलिकल कॉर्ड रहेंगी, तो टोटल 3 वेसल्स होंगी, 2 आर्टरी 1 वेन। जो कॉर्ड की लेंथ होगी अम्बिलिकल कॉर्ड की, वो कितनी होगी, 50 to 60 सेंटीमीटर। नॉर्मल टर्म प्रेगनेंसी में 50 to 60 सेंटीमीटर, एवरेज कहें तो 55 सेंटीमीटर। एग्जाम में यदि आपको आता है तो आप 55 सेंटीमीटर पर मार्क कीजिए। यदि यहाँ पर लेंथ इस तरीके से दी हो कि 50 से 60, तो आप इसको मार्क कीजिए। लेकिन यदि ऑप्शन में 50 से 60 नहीं है, 55 सेंटीमीटर, तो आप उसको मार्क कीजिए। अम्बिलिकल कॉर्ड में 3 वेसल्स होती हैं, एग्जाम में आता है 2 आर्टरी 1 वेन। आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करेगी, जबकि वन वेन किसकी सप्लाई करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। नेक्स्ट वन इज द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम इन फीमेल टेक्स प्लेस इन द। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि ओवम का जो फर्टिलाइजेशन होगा वो कहाँ पर होगा, वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस या फिर ओविडक्ट में। तो यहाँ पर ओवम का जो फर्टिलाइजेशन होगा कहाँ पर होगा, ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब में। इम्प्लांटेशन कहाँ पर होगा, यूट्रस में। लेकिन जब यदि यही फर्टिलाइजेशन है, जो ओवम का फर्टिलाइजेशन कहाँ पर हुआ, ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब में हो गया। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन के बाद यहीं पर यदि इम्प्लांटेशन भी हो जाता है फैलोपियन ट्यूब में ही, तो हम उसको क्या कहते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। लेकिन जनरली ये इम्प्लांटेशन कहाँ पर होना चाहिए, यूट्रस में। नेक्स्ट वन इज विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू टेक सर्वाइकल स्मियर। तो सर्वाइकल कैंसर के लिए जो स्मियर कल्चर कलेक्ट किया जाएगा, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो सर्वाइकल स्मियर के लिए यूज करेंगे हम, वेंटोस, वैक्यूम, फोरसेप्स या फिर अरेस स्पैटुला। तो मैंने इमेज बेस्ड क्वेश्चन में भी आपको बताया है, तो ये है यहाँ पर अरेस स्पैटुला। नेक्स्ट वन इज ब्लड एंड डेब्रिस डिस्चार्ज फ्रॉम द यूट्रस आफ्टर डिलीवरी इज टर्म्ड। तो ब्लड डेब्रिस डिस्चार्ज होगा यूट्रस से आफ्टर द डिलीवरी, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, पायूरिया, एब्सेस, कोलाज्मा या फिर लोचिया। तो ब्लड और जो डेब्रिस डिस्चार्ज होगा डिलीवरी के बाद, हम उसको क्या कहेंगे, लोचिया। क्या कहेंगे, लोचिया। पायूरिया का मतलब है यूरिया में पस का आना। अब यहाँ पर कोलाज्मा का मतलब होगा प्रेगनेंसी फेस मास्क। प्रेगनेंसी में फोरहेड, चीक्स, नोज और चिन के यहाँ पर जो हार्मोनल चेंजेस के कारण फेस मास्क टाइप से आपको एक तरीके से हमें कह सकते हैं धब्बे धब्बे से दिखाई देंगे, तो हम उसको क्या कहते हैं, कोलाज्मा और प्रेगनेंसी फेस मास्क। अब यहाँ पर लोचिया 3 टाइप का होगा, रूब्रा जो कि इनिशियल 3 to 4 डेज रहेगा, डार्क रेड कलर का होगा, सेरोसा जो कि पिंकिश ब्राउन कलर का होगा, एल्वा जो कि वाइटिस येलो कलर का होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर MTP एक्ट केम इन फोर्स। तो MTP एक्ट कब आया था, 1981 में, 1972 में, 1971 में या फिर 1970 में। तो MTP एक्ट आया था 1971 में। MTP एक्ट में कुछ चेंजेस हुए हैं अभी रिसेंट में,
तो मैं आपको जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें पूरा टेबल के थ्रू समझा दूंगी। नेक्स्ट वन इज ओरल मेडिकेशन ऑफ चॉइस टू प्रिवेंट फर्दर थ्रोम्बस फॉर्मेशन इज, तो बार बार थ्रोम्बस और क्लॉट फॉर्मेशन के लिए हम ओरल कौन सी मेडिकेशन यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेस, वारफेरिन, हेपेरिन या फिर विटामिन के। तो मैंने आपको जो फार्मेकोलॉजी की एक क्लास ली थी अभी रिसेंट में, आई थिंक 1 or 2 days पहले ही, तो उसमें बताया था। तो ओरली जो ली जाने वाली ऐसी मेडिकेशन जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन को प्रिवेंट करेगी वो क्या है, वारफेरिन। हेपेरिन है जो नहीं ली जाएगी, विटामिन के इंट्रामस्कुलर दिया जाएगा। तो वारफेरिन ही एक ऐसी मेडिसिन है जिसको हम ओरली ले सकते हैं। नेक्स्ट वन इज, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन है हाउ मैनी डिसीज आर कवर्ड इन NBBDCP, तो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम में कितनी डिसीज कवर की जाती हैं, 8, 9, 6, 7, ऑप्शन है 8, 9, 6, 7। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें इसका आंसर आपको बताया जाएगा विथ NBBDCP प्रोग्राम के, क्योंकि जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम प्रोग्राम रिसेंट के और जो स्कीम है वो पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। जिनका भी अपकमिंग एग्जाम है वो लोग प्लीज़ ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लें, मेडिकल एंड नर्सेज सब के नाम से अवेलेबल है प्ले स्टोर में। और जिनके GMC के पेपर हैं तो वो लोग भी डायरेक्ट पेपर्स परचेस कर सकते हैं, आपको पुराने पेपर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे NHM के, GMC के, बहुत ही मिनिमल प्राइस में रखे गए हैं। और जो लोग परचेस नहीं कर पाते हैं, सभी पेपर हैं जो वीडियो फॉर्मेट में इसी चैनल पर अवेलेबल हैं, तो आप उनको एक बार चेक करके ज़रूर एग्ज़ाम देने जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।